और डोंडी में आम आदमी पार्टी ने 12 सूत्री मांगों को लेकर लौह अयस्क से भरे ट्रकों को रोककर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते रोड पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। दल्ली राजफरा नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांकर ने बताया कि परिवहन कार्य स्थानीय ट्रक मालिकों को देने, बेरोजगारों को रोजगार स्थायी पट्टा दिए जाने सहित कई मांगे हैं। कांग्रेस व भाजपा द्वारा मिलीभगत कर सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को ठगने का कार्य कर रही है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे, जिसका समर्थन राजफरा परिवहन संघ ने किया है। उन्होंने कहा कि शहर में यातायात का काफी दबाव होने के बाद बाईपास सड़क नहीं है, वहीं शहर में 100 बिस्तर अस्पताल भी नहीं है और स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। आज का चक्का जाम हमारा 12 सूत्री मांग, जो नगर विकास के लिए, मुआवजा राशि के लिए, रोजी रोजगार के लिए, ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय को लेकर हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं, जो बीएसपी मैनेजमेंट और शासन प्रशासन से हमने सालों से मांग किया है। चक्का जाम किया गया है। इस चक्का जाम में दिल्ली राजरा के साथ चाहे हॉस्पिटल की मांग हो, आम आदमी पार्टी कंधे से कंधे लगाकर खड़ा हुआ है।